अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा की नेक्स्ट क्लास होलोथ्रोइडिया के रेलिवेंट है जी। तो चलते हैं इस क्लास को इन डिटेल देखते हैं। क्लास होलोथ्रोइडिया अप्रॉक्सीमेटली जी आपके पास 1500 डिफरेंट स्पीशीज के ऊपर मुश्तमिल है और कॉमनली इसके मेंबर्स को हम सी कुकम्बर्स बोलते हैं। सी कुकम्बर्स आपको ओशन में ऑल डेप्थ्स के ऊपर जी आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये ओशन बेड के ऊपर रहना पसंद करते हैं और वहाँ पर ये आपको या तो किसी हार्ड सबस्ट्रेट के ऊपर नजर आएंगे और या इनकी कुछ स्पीशीज आपको सॉफ्ट सबस्ट्रेट के अंदर बरोज के अंदर नजर आएंगी। सी कुकम्बर्स इस लिहाज से दूसरे इकाइनोडर्म्स से थोड़े से डिफरेंट हैं जी कि इनकी जो बॉडी है वो ऑरल एबोरल एक्सिस के अलोंग इलोंगेटेड है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि काफी लंबी बॉडी है इनकी और इसके साथ साथ आपको इनके अंदर कोई भी आर्म्स नजर नहीं आ रही हैं। तो इनकी बॉडी जो है जी वो ऑरल एबोरल एक्सिस के ऊपर इलोंगेटेड है और इसके साथ उसके अंदर कोई आर्म्स मौजूद नहीं है। फिर ये जो सी कुकम्बर्स हैं ये ओशन बेड के ऊपर हमेशा जो इनकी वेंट्रल साइड है जी वो फेस करती है सबस्ट्रेट को, और इसलिए इनकी जो वेंट्रल साइड है क्योंकि वो हर वक्त सबस्ट्रेट को फेस कर रही होती है तो वो आम तौर पर फ्लैटेंड होती है। जो इनकी डॉर्सल साइड है वो थोड़ी सी आप कहें कि डोम शेप होती है, लेकिन इनकी वेंट्रल साइड जो है जो कि सबस्ट्रेट को फेस कर रही है वो फ्लैटेंड होती है, चिपटी होती है। अब क्योंकि ये ऑरल एबोरल एक्सिस के ऊपर इलोंगेटेड है और इसके अलावा इनकी जो वेंट्रल साइट है वो परमानेंटली फ्लैट रहती है तो इनके अंदर सेकेंडरी बाइलेटरल सिमेट्री है, ना कि ये पेंटारेडियल सिमेट्री को फॉलो कर रहे हैं। ट्यूब फिट जो है जी इनके अंदर वो मौजूद होते हैं और ट्यूब फिट जो है वो इनके अंदर जो फ्लैटेंड साइड है इनकी वेंट्रल साइड जिसको हम सोल भी बोल रहे हैं वहां पर ट्यूब फीट की 3 रोज आपको नजर आती हैं, जबकि 2 रोज जो ट्यूब फीट की हैं अमूमन वो आपको इनके डॉर्सल साइड पे नजर आती हैं, और वो वाले ट्यूब फीट जो इनके ऑरल एंड पे इनके माउथ के करीब मौजूद होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेंटिकल्स। आम ट्यूब फीट से काफी बड़े होते हैं और फूड की हैंडलिंग के दौरान जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अमूमन इनके जो एडल्ट्स हैं उनका साइज 10 से लेकर होलोथ्रोइड्स की बॉडी वॉल की अगर बात करें जी तो इनकी बॉडी वॉल काफी थिक होती है और काफी मस्कुलर होती है, और इसके अंदर ना तो आपको स्पाइन्स नजर आएंगे ना ही जो है आपको पेडिसलेरिया नजर आएंगे। तो इनकी जो बॉडी वॉल है इट इज डिवाइड ऑफ पेडिसलेरिया एंड स्पाइन्स। तो सबसे अपर जो लेयर है जी वो एपिडर्मस है और उसके बाद नीचे आपके पास डर्मस मौजूद होगी जिसके अंदर आपके पास ऑसिकल्स मौजूद होंगे। होलोथ्रोइड के ऑसिकल्स इस लिहाज से दूसरे इकानोडम के मेंबर के ऑसिकल से डिफरेंट हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनका क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक हैं इसलिए इनका बॉडी की शेप को डिटरमिन करने में कोई रोल नहीं है, ये बॉडी को सपोर्ट देने का काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लार्ज ऑसिकल्स आपके पास जरूर मौजूद होते हैं लेकिन ये लार्ज ऑसिकल्स सिर्फ और सिर्फ आपको एक जगह पर नजर आएंगे, और वो कहाँ नजर आएंगे, डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है जी इनकी बिल्कुल माउथ के नीचे एसोफेगस के करीब ये जो लार्ज ऑसिकल्स हैं ये वहां पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बॉडी के मसल्स को अटैचमेंट का पॉइंट दे रहा है। इसके अलावा जी अगर हम डर्मिस के नीचे आए तो आपके पास सर्कुलर मसल्स हैं और सर्कुलर मसल्स के नीचे आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, और काफी थिक लेयर होती है आपके पास इन मसल्स की और यही वजह है कि इनकी बॉडी वॉल जो है वो काफी थिक होती है। बाज एशियन कंट्रीज के अंदर जो होलोथ्रोइड्स हैं जो सी कुकम्बर्स हैं इनको बॉइल करके इनकी जो स्किन है उसको ड्राई करके यूज किया जाता है फूड के अंदर एज फ्लेवरिंग एजेंट, खास तौर पे सूप्स के अंदर, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इनकी स्किन बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट आप कह लो कि इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है,
और यहाँ तक भी कुछ स्टडी हो चुकी है कि इनकी जो स्किन है, इनकी जो बॉडी वॉल है, वो एंटी कैंसर जो है वो प्रॉपर्टीज भी रखती है। तो इस लिहाज से कुछ जो कंट्रीज हैं उनके अंदर इस ड्राइड स्किन को इस्तेमाल किया जाता है फूड के अंदर, और इस ड्राइड स्किन को हम ट्रीपैन का नाम अगर दे हम रहे वाटर होते हैं जी। वास्कुलर सिस्टम की बात करें तो इनका वाटर वास्कुलर सिस्टम इस लिहाज से बाकी के पढ़े जाने वाले इकोनोडर्म्स से डिफरेंट है कि इनका मैड्रीपोराइट इंटरनल है जी। तो अगर इनका मैड्रीपोराइट इंटरनल है तो इट मींस के बाहर से सी वाटर जोन्स है वो एंटर नहीं हो सकता अंदर। तो इनकी वाटर वास्कुलर केनाल्स के अंदर फिर क्या मौजूद होगा? इनके अंदर जी इनका अपना सिलोमिक फ्लूइड मौजूद होता है। तो ये मैड्रीपोराइट है जी जो इनकी सिलोम के अंदर फ्रीली मूव कर रहा होता है। साथ में ये स्टोन केनाल आती है और ये लीड करती है ये रिंग केनाल की तरफ, जो कि एसोफेगस के अराउंड आपको ये नजर आ रही है। रिंग केनाल के साथ आपको जी पोलियन वेजिकल्स नजर आएंगे। पोलियन वेजिकल्स नॉर्मली इनके अंदर 10 के करीब तक मौजूद होते हैं डिफरेंट स्पीशीज के अंदर, और आप जानते हैं कि पोलियन वेजिकल्स का काम होता है फ्लूइड को अपने अंदर स्टोर रखना, ताकि जरूरत पड़ने पर उस फ्लूइड को यहां से वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर एंटर किया जा सके। तो 10 पोलियन वेजिकल्स, क्योंकि इनके अंदर सी वाटर तो बाहर से आ नहीं सकता, सिलोमिक फ्लूइड को इन्होंने अपने वाटर वास्कुलर कैनाल्स के अंदर कंटेन रखना है, रिटेन रखना है। तो आपके पास ये जो पोलियन वेजिकल्स हैं इनके अंदर एक्स्ट्रा जो फ्लूइड स्टोर किया जाता है कि जरूरत पड़ने के ऊपर यहां से निकल के वाटर वास्कुलर सिस्टम के कैनाल्स के अंदर एंटर हो जाता है, और वहां पर अगर कमी है तो उसको दूर करने में मदद देता है। रिंग कैनाल से जी आपके पास रेडियल कैनाल्स निकलती हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ कैनाल्स जोन सी हैं रिंग कैनाल से, वो टुवर्ड्स टेंटिकल्स निकलती हैं जो इनके माउथ को सराउंड करते हैं। रेडियल कैनाल्स के साथ ट्यूब फीट हैं, और जो आपके पास होलोथ्रॉइड्स हैं इनके ट्यूब फीट के अंदर आपको सक्शन कप भी नजर आएंगे, और इनके ट्यूब फीट के अंदर आपको एम्प्यूला भी नजर आएंगे। दोनों चीजें आपको नजर आती हैं, और अमूमन ये जो रेडियल कैनाल्स हैं ये ओरल टू एबोरल एंड जो है वो इस तरह से आपको मिलेंगी। इंटरेस्टिंगली जी जो हमने अभी स्टार्ट में भी बात की कि इनकी जो वेंट्रल साइड होती है जिसे हम सोल कहते हैं, जो कि परमानेंटली फ्लैटेंड होती है, वहां पर आपके पास तकरीबन 3 से 5 तक ट्यूब फीट की रोज मौजूद होती हैं। अमूमन 3 होती हैं आपके पास वहां पर ट्यूब फीट की रोज, और ये जो आपके पास ट्यूब फीट हैं ये बेसिकली अटैचमेंट के पर्पस के लिए काम आ रहे होते हैं। अपर जो सरफेस है वहां पर आपको ट्यूब फीट की 2 रोज नजर आती हैं, और कुछ स्पीशीज के अंदर आपको वो 2 रोज भी नजर नहीं आती क्योंकि उनका एज सच कोई काम नहीं होता। तो उन स्पीशीज जो है उनके अंदर वो ट्यूब फीट रिड्यूस हो गए साइज के अंदर या टोटली एब्सेंट है, लोकोमोशन की नजर ही अगर हम नहीं बात आते करें आप। जी तो इनके जो लोकोमोशन है वो इनके ट्यूब फीट जो है वो उसके अंदर इतना अपना रोल प्ले नहीं करते। वहां पर इनके ट्यूब फीट इनके लोकोमोशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है, इनएफिशिएंट हो जाते हैं। वजह क्या है इस इनएफिशिएंसी की? वजह यह है कि हमने स्टार्ट में बात की कि आपके पास इनके जो ऑसिकल्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं। तो ऑसिकल्स जो उनसे हैं क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक हैं इसलिए वो ज्यादा जो इम्पोर्टेंट एक आप कहें कि सपोर्ट का आंसर होता है वो वहां पर प्रोवाइड नहीं कर सकते। इनके जो ट्यूब फिट हैं दे आर नॉट एंकर्ड बाय द बॉडी वॉल ऑसिकल्स, जैसे कि इससे पीछे पढ़े जाने वाली क्लास के मेंबर्स के अंदर मौजूद थे। तो लोकोमोशन किस तरह होता है जी? लोकोमोशन होता है थ्रू द मसल्स जो इनकी बॉडी वॉल के अंदर मौजूद हैं। मसल्स जो उनसे जी वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और उससे वर्म लाइक मूवमेंट जो सी है वर्म लाइक जो लोकोमोशन है वो आपको देखने के लिए नजर आता है। तो इसी वजह से आपको जो सी कुकम्बर्स हैं वो काफी स्लगिश भी नजर आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, ज्यादा मूव करना पसंद नहीं करते।
जो हेमल सिस्टम है इकानोडर्म्स का, अगर हम उसकी बात करें तो होलोथ्राइड्स वो मेंबर्स हैं जिनमें ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो पूरे इकानोडर्म्स में हेमल सिस्टम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होलोथ्राइड्स के अंदर है जी। इसका जो प्राइमरी रोल जहाँ पर ये प्ले कर रहा है हेमल सिस्टम, वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से है जी। हमने सिलोमोसाइट्स की बात की थी कि सिलोमोसाइट्स डाइजेशन के प्रोडक्ट्स को इनगल्फ करते हैं और बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो जो हेमल सिस्टम की कैनाल्स हैं वो सिलोमोसाइट्स इन कैनाल्स के अंदर ट्रैवल करते हुए इन जो फूड है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। होलोथ्राइड्स का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पेयर ऑफ ट्यूब्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जिसे हम रिस्पायरेटरी ट्री कहते हैं। ये आपको जो डायग्राम के अंदर ब्लू कलर में ये जाती हुई ब्रांचेस ब्रांच जो ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं, ये रिस्पायरेटरी ट्रीज हैं जी। ये अटैच्ड होते हैं आपके पास क्लोएका के पास, एक बॉडी में लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं और एक बॉडी के अंदर राइट साइड की तरफ जाते हैं। और ये जो दोनों कैनाल्स हैं ये हाईली ब्रांच्ड होती हैं और इनकी जो ब्रांचेस हैं वो सिलोम में दूर दूर तक जो है वो मौजूद होती हैं। तो इसलिए ये ट्री लाइक अपीयरेंस जो सी है इसकी होती है, इस वजह से इसको हम रिस्पायरेटरी ट्री बोल रहे होते हैं। तो होता कुछ इस तरह है कि जो एनल स्फिंक्टर है, जब जो मसल्स हैं एनस के गिर्द जब ये रिलैक्स करते हैं और जो क्लोएका है उसके मसल्स डायलेट करते हैं, तो पानी जो है जो सी वाटर है वो बाहर से क्लोएका के अंदर एंटर हो जाता है। उसके बाद जो आपके पास ये एनल स्फिंक्टर्स हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं और आपके पास जो क्लोएका के मसल्स हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, तो पानी जो है वो पुश कर दिया जाता है इन रिस्पायरेटरी ट्री की ट्यूब्यूल्स के अंदर, इन रिस्पायरेटरी ट्री के अंदर पानी चला जाता है। और फिर जो आपके पास गैसियस एक्सचेंज होना है, इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट जोन्स है, वो भी ये अक्रॉस द रेस्पायरेटरी ट्यूब्यूल्स जो इनके अंदर पानी मौजूद है और जो बॉडी के अंदर सिलोमिक फ्लूइड मौजूद है उसके गिर्द जो है ये तबादला होता है। सिलोमिक फ्लूइड के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पायरेटरी ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद पानी के अंदर चली जाती है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है जी वो डिफ्यूजन के जरिए रेस्पायरेटरी ट्यूब्यूल्स के अंदर से होती हुई सिलोमिक फ्लूइड के अंदर आ जाती है। इसी तरह नाइट्रोजनस वेस्ट भी जो है जी वो सिलोमिक फ्लूइड से इन रेस्पायरेटरी कैनाल्स के अंदर चला जाता है। उसके बाद ये रेस्पायरेटरी जो कैनाल्स हैं ये ट्यूब्यूल्स हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं और पानी जो उनसे जी वो इनके जरिए निकल कर बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है। तो इस तरह ये जो रेस्पायरेटरी ट्री है ये गैसियस एक्सचेंज में और नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो देखने में तो ऐसा लगता है कि जी सी कुकम्बर जो से हैं ये डिफेंसलेस हैं, इनके पास अपने प्रीडेटर्स को भगाने के लिए या उनका मुकाबला करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो सी कुकम्बर्स हैं उनके पास डिफेंस स्ट्रेटजीज मौजूद हैं जिनमें से कुछ को हम वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं जी। कुछ जो सी कुकम्बर्स हैं जी उनकी जो बॉडी वॉल है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है और इस वजह से जो प्रीडेटर्स हैं वो उन सी कुकम्बर्स को एज फूड इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो जान जाते हैं कि अगर हम इनको एज फूड इस्तेमाल करेंगे तो उसके हमें फिर काफ़ी टॉक्सिक इफेक्ट्स जो उनसे हैं वो देखना पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ सी कुकम्बर्स जो उनसे हैं जी वो ख़ास तरह की कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं जिन्हें हम कोवेरियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं जो कि जी इनके रिस्पायरेटरी ट्री के साथ एसोसिएटेड होती हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख भी रहे हैं कि ये आपके पास रिस्पायरेटरी ट्री है जी और इसके साथ यहाँ पर ही आपके पास कोवेरियन ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। ये क्या करते हैं कि जब इन सी कुकम्बर्स को खतरा महसूस होता है तो ये अपनी इस एनस के जरिए इन कोवेरियन ट्यूब्यूल्स को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। जैसे कि आपको ये नीचे डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, ये सी कुकम्बर ने कोवेरियन ट्यूब्यूल्स को अपनी एनस के जरिए बाहर निकाल दिया है। तो ये जो कोवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं इनके पास कुछ आप कह लें कि कुछ ये टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ स्टिकी सेक्रेशंस भी होती हैं कि जो प्रीडेटर्स होते हैं इनके वो जब इन पर हमला करने लगते हैं तो वो इन कोवेरियन ट्यूब्यूल्स के स्टिकी सेक्रेशंस के अंदर फंस जाते हैं और वो इस काबिल नहीं होते कि वो वहाँ से अपने आप को किसी तरह से बाहर निकाल सकें और टाइमली इन पर अटैक कर सकें। और अगर तो उनके अंदर टॉक्सिन्स मौजूद हैं तो प्रीडेटर का तो वैसे ही काम हो गया, तो प्रीडेटर इमोबिलाइज हो जाते हैं, वहां से हरकत नहीं कर सकता और ये वहां से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। बाज़ुकात ये होता है कि जब ज्यादा खतरा इनको महसूस होता है तो ये अपनी बॉडी वॉल को इतना शदीद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
कि उसके नतीजे के अंदर दोनों रिस्पायरेटरी ट्रीज, पूरे का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जो गुनेड्स हैं वो एनस के जरिए बाहर निकाल आते हैं। तो ये जितना कुछ इनके अंदर ये मौजूद है, ये सारे का सारा जो है ये बाहर निकल आता है, और इस प्रोसेस को हम एविस्ट्रेशन बोलते हैं। जब प्रीडेटर इसको देखता है तो वो डिस्करेज होता है, वो ये सोचता है यार है कि गंद देख रहे हैं हमें, ये क्या हो गया। तो ये एक डिफेंसिव अडेप्टेशन है होलोथ्रॉइड्स के अंदर, जो प्रीडेटर को डिस्करेज करती है और वो इसको खाने का ख्याल जेन से निकाल के वहां से चला जाते हैं। अब ये जितने भी इन्होंने सब कुछ जो बाहर निकाल दिया, रिस्पायरेटरी ट्रीज निकाल दिए बाहर, डाइजेस्टिव सिस्टम निकाल दिया बाहर, गुनेड्स निकाल दिए बाहर, ये वक्त के साथ थोड़े ही अरसे के अंदर रीजनरेट कर जाते हैं। तो इसके इस एविस्ट्रेशन के प्रोसेस से इनकी डेथ नहीं होती है, क्योंकि ये लॉस्ट पार्ट्स को रीजनरेट कर लेते हैं। इनका जो नर्वस सिस्टम है जी होलोथ्रॉइड्स का, वो बाकी इकैनोडर्म्स के साथ मिलता जुलता है, सिमिलर टू द अदर इकैनोडर्म्स है जी। और फर्क सिर्फ ये है कि इनके अंदर एडिशनल कुछ नर्व्स हैं जो कि उनके टेंटिकल और फेरिंग्स की तरफ जाती हैं और इनकी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं जी। इसके अलावा कुछ सी कुकम्बर्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर स्टेटोसिस्ट मौजूद हैं, जो कि इनकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखने के अंदर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ सी कुकम्बर्स के अंदर फोटोरिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो सी कुकम्बर्स जो से हैं जी वो डाइएशियस होते हैं, सेक्सेस इनके अंदर सेपरेटेड होते हैं, कुछ हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो से है वो डाइएशियस होती है। इंटरेस्टिंगली इनके अंदर सिर्फ एक ही गुनेड मौजूद होता है जो कि बॉडी के अंदर एंटीरियरली मौजूद होता है, आगे की तरफ मौजूद होता है, और इस गुनेड की एक सिंगल ओपनिंग होती है जी जिसे हम गोनोपोर बोलते हैं, जिसके जरिए गैमेट्स को बाहर पानी के अंदर जो है वो निकाल दिया जाता है। और ये जो गोनोपोर है ये एट द बेस ऑफ टेंटिकल्स मौजूद होती है इनके अंदर। फर्टिलाइजेशन जी इनके अंदर एक्सटर्नल होती है, गैमेट्स मेल और फीमेल दोनों एट द सेम टाइम रिलीज कर रहे होते हैं ताकि मैक्सिमम चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो सकें, स्पॉनिंग एट द सेम टाइम हो रही होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जी एम्ब्रियो बनता है जो डिवेलप करता है एक प्लैंकटोनिक लार्वे में, जो काफ़ी जो देर है काफ़ी अर्सा फ्रीली जो है वो स्विम करता है और फीड करता रहता है जी प्लैंकटन्स के ऊपर। उसके बाद ये लार्वा सेटल कर जाता है सबस्ट्रेट के ऊपर, और सेटलिंग के बाद ये मेटामॉर्फोसिस के जरिए एक अडल्ट सी ककंबर के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा सी ककंबर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए भी अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड ये फॉलो करते हैं वो जी ट्रांसवर्स फ्यूजन है, और जो लॉस्ट बॉडी पार्ट होते हैं ट्रांसवर्स फ्यूजन के बाद उन्हें दोबारा से ये रीजनरेट कर लेते हैं। और जैसा कि हमें मालूम है कि इकैनोडर्म्स के अंदर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसी तरह होलोथ्रॉइड्स के अंदर ये रीजनरेशन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर वो अपना सारे का सारा जो लॉसेस होते हैं रिस्पायरेटरी ट्री, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गुनेड्स, वो भी पूरा कर लेते हैं, और इस तरह जो ट्रांसफर फ्यूजन के जरिए लॉस्ट बॉडी पार्ट्स होते हैं ये उनको भी पूरा कर लेते हैं। होपफुली आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू आर फ्री टू आस्क ऑन